हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 के मान ज्ञात करे जाते हैं। हमने साइन के साथ साथ कॉस थीटा यानी कि कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 60 एंड कॉस 90 की वैल्यूज़ को मात्र अपनी हथेली पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये ट्रिक समझी थी। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ जो है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है जो टेबल त्रिकोणमिति अनुपातों को दर्शा रही है। अब अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा AB 5 सेंटीमीटर और कोण C 30 सेंटीमीटर है तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करा जाएगा। सबसे पहले तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ये, जिसमें कोण B जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये है हमारा कोण A और ये है हमारा कोण C, जो कि हमें मालूम है कि ये कोण कितना है। तो ये कोण दे रखा है हमारा 30 डिग्री। साथ साथ हमको दे क्या रखा है, तो हमको दे रखा है AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब हमको निकालनी है AC की वैल्यू और BC की वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने लगा दिया tan 30 का रूल। ये देखिए tan 30 बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, यही होता है। लंब कितना है, तो लिखा लंब दे रखा है 5, आधार हमें मालूम नहीं है, ये मान लिया आधार है। और आधार को क्या कह रहे हैं हम लोग, BC कह रहे हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है √3 और ये हो गया हमारा 5 जो है वो हमारा लंब है। तो क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू होगी 5√3। इस तरीके से ये वैल्यू किसकी निकल के चली आई, BC की वैल्यू निकल के चली आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है AC की वैल्यू पता करनी है। तो फिर वही देखिए, समकोण त्रिभुज में देखिए क्या किया, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 5, ये A, ये B और ये C है। ये भी हमने निकाल लिया है आधार, ये कितना आया है 5√3 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC, यही तो वैल्यू होगी। साइन 30 की वैल्यू होती क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं होती है 1/2। 1/2 इक्वल टू क्या है, AB की वैल्यू दे रखी है 5, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AC की वैल्यू क्या होगी, 5√2 इक्वल टू 10। तो ये हो गई आपकी 10। इस तरीके से हमने ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 3 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण ABC और कोण ACB की वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलिए, बना लिया एक हमने समकोण त्रिभुज, ये A हो गया, ये B हो गया जो कि दे रखा है 90 डिग्री, AB की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये C है, AC की वैल्यू दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, कहा गया है कोण BAC मतलब हमको कोण A निकालना है और साथ में कोण C निकालना है। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, देखिए हमें कोण C निकालना है पहले। तो क्या करेंगे, साइन C इक्वल टू क्या होगा, साइन C के लिए AB अपॉन AC, यही तो होगा, लंब बटे कर्ण। इसको सॉल्व किया, ये आया 3, ये आ गया 6, काटा तो ये अकल के आ गया 1/2। अब कोण C की वैल्यू कितनी होगी, साइन की कौन सी वैल्यू के लिए
कौन से डिग्री की वैल्यू के लिए जो है मान 1/2 होता है तो C की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। ठीक, तो ये कितना आ गया निकल के हमारा 30 डिग्री। अब जानते हैं कि समत्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 30 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 60, जो कि होगा कोण ए। तो ये हो गया आपका कोण ए 60 डिग्री। इस तरीके से हम लोग ए बी और सी के कोणों की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, दिया गया है साइन 60 प्लस कॉस 60 की वैल्यू बताइए। देखिए साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू प्लस कॉस 60 की वैल्यू का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं होती है √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये हो गया कॉस 60, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब फार्मूले में पुट कर दिए, √3 + 2 1/2, इसको सॉल्व किया 2 LCM हो गया, √3 + 1 जो होगा ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, साइन 60 प्लस कॉस 60 की वैल्यू का। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया था साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, इनटू कर दिया कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2 होगी, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इनटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसको हमने सॉल्व किया, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन किया 1/4, सॉल्व करा 4/4 ये आ गया 1 निकल के। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज के रख के मान निकाल लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए एक फार्मूला किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है ये। इसको सॉल्व किया, साइन 60 प्लस 30 ये कितने हो गए, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया है, 2 tan 30 upon 1 - tan² 30। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 tan 30 तो 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, होल अपॉन 1 - tan² 30 यानी कि 1/√3² इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2/√3 होल कर दिया डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसको सॉल्व किया, ये 2/√3 रहेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये तो होगा 2/√3 है यहाँ पर 2/3। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 3/√3। इसको सॉल्व किया तो आंसर निकल के आ गया √3। अब आपका आंसर क्या होगा, √3।